ये सनातन रहस्य है। इसके जब से आप युद्ध में अपने समस्त लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आशंका है जिन्होंने लंका के नाम पर सबसे प्राणों की बलि दे दी। इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक दबाना था, तो इससे योद्धा अपने अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो रेंट नहीं मिला मुझे अभी तक। हाँ सर वो लॉकडाउन है ना तो थोड़ा सा इनकम का इशू हो गया है सर। नेक्स्ट मंथ दे दूंगा सर। अरे नहीं नहीं नहीं, रेंट तो आपको देना पड़ेगा, ये लॉकडाउन वॉकडाउन मैं नहीं जानता। सर आपको तो पता ही है सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर और पार्ट टाइम एक्टिंग करता हूँ, यहाँ पे एक्टिंग करने आया था मैं। ये लॉकडाउन के चलते सर इनकम थोड़ी सी रुक गई है सर। अरे तो उसमें मैं क्या करूँ भाई साहब, वो आपकी प्रॉब्लम है। सेविंग्स नहीं की क्या सर? काई की सेविंग सर? सर आधी सेविंग तो आपको रेंट में दे दी मैंने, आधी मेरे ट्रैवलिंग में चले जाती है, कहाँ से लाओ? देखो ये बहाने मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अभी एक काम करो, या तो एक हफ्ते के अंदर तुम मुझे मेरा रेंट जमा करो या फिर घर खाली करो। हेलो हेलो हेलो, अरे पागल है क्या, एक हफ्ते में कहां से लाऊं? पार्टी यार लौड़े लगे पड़े हैं यहाँ पे। क्यों क्या हो गया? अरे भाई लैंडलॉर्ड का बकचोदी, रेंट रेंट रेंट, जब भी देखो भीख मांगते रहता है। अरे तो बताओ उसको अगले महीने दे दूंगा, और क्या है इसमें, समझा उसको, बोलता है तो रेंट दे, घर खाली करो, अब लॉकडाउन में कौन देगा मुझे घर? तो तुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है? मिनिस्ट्री ऑफ क्या? MHA के तहत कोई भी मकान मालिक इस लॉकडाउन के चलते एक महीने तक अपने किराएदार से किराया नहीं मांग सकता और ना ही उसे ज़बरदस्ती घर खाली करने को कह सकता है, और यदि वो अगर ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सही में क्या बात कर रहा है? अबे वकील हूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं तुझे। नोटिफिकेशन की कॉपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तू से अपने मकान मालिक को फॉरवर्ड कर दे, ठीक है? भेज भेज भेज, भेजता हूँ मैं उसको।